अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़रनक सिदवा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ। आज हम आपको आलू टिक्कियाँ बनाना सिखाएंगे विद अ डिफरेंट टच, देखिएगा किस तरह बनाएंगे। और हम आज आपको थाई स्वीट चिली सॉस डिपिट का यूज़ करेंगे, उससे हम मज़ेदार से नूडल्स बनाना आपको सिखाएंगे। और हम पहली रेसिपी चॉकलेट सरप्राइज़ कपकेक्स हैं, बहुत ही मुख्तलिफ सी रेसिपी है, इसलिए कि इसमें बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें जाएंगी इन वन कपकेक, और फिर उसके अंदर तुलसी भी जाएगी। आप सोचेंगे किस तरह के बनेंगे, देखिएगा, सीखिएगा, बनाइएगा, ट्राई ज़रूर करिएगा। और हम इसका बहुत मज़ेदार सा एक टॉपिंग या ग्लेज या आइसिंग, जो फ्रॉस्टिंग जो भी आपको कहना है वो बनाएंगे, यूजिंग अगेन डिफरेंट थिंग्स। तो आप मेरे साथ रहिएगा, सीखिएगा, बनाइएगा, ट्राई ज़रूर करिएगा इन रेसिपीज़ को। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, बिकॉज चॉकलेट के कपकेक्स जो हैं वो हमें बेक करने हैं, ठंडे करने हैं, फ्रॉस्ट करने हैं, टाइम लग जाएगा। अब हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, ज़रा शुरू कर लेते हैं। देखें, ये एक अदद अंडा है और ये है एक कप चीनी, एक कप पिसी हुई ये चीनी है, ठीक है। फिर यहाँ कॉफ़ी पाउडर है, उसमें आपने पानी डालना है थोड़ा सा। फिर ये तेल है आधा कप, इसके अलावा मैदा है, दूध है, कोको पाउडर है, वेनिला एसेंस है, थोड़ा सा नमक है, बेकिंग पाउडर है, उसके अलावा तुलसी के पत्ते हैं यानी बेजल लीव्स, उनको हमें बिल्कुल फाइन, बहुत छोटा छोटा पतला पतला श्रेड या बारीक एकदम काटना है। अब इसमें मैं मैदे के साथ डाल देना चाहती हूँ नमक, ताकि नमक का काम हमारा हो जाए, इसको हम शिफ्ट कर देते हैं। और पानी भी, वी डोंट नीड एनीथिंग एल्स। अच्छा, मैदे में ही मैं बेकिंग पाउडर भी शामिल कर देती हूँ, ऑल द ड्राई थिंग्स टुगेदर, ठीक है जी। इसमें हम डाल देते हैं वेनिला एसेंस और तेल। बहुत आसान रेसिपी है, ट्राई करिएगा, फॉलो करिएगा, बनाइएगा ज़रूर। इसमें आपने कॉफ़ी पाउडर डालना है, जो हमने पानी के साथ मिक्स कर दिया है। दूध पहले देख के डालेंगे, पूरा नहीं डाल देंगे। अब कोको पाउडर जाएगा इसमें, मैदा और बेकिंग पाउडर और नमक मैंने यहाँ रखा था। तुलसी के पत्ते लीजिएगा, बिल्कुल इस तरह बारीक बारीक काट लीजिएगा, श्रेड कर दीजिए छुरी के साथ। मैं ऐसे ही अभी करके आपको दिखा देती हूँ, जस्ट ब्रेक देम आप, ठीक है, पूरे साबुत नहीं डाल दीजिएगा, जस्ट अ फ्यू, एक टेबलस्पून जितनी तुलसी अंदर जाएगी, बहुत ही मुख्तलिफ एक टेस्ट आएगा, ट्राई करके देखिएगा। अलग अलग चीज़ें मैं आपको सिखाती हूँ, दुनिया से मुख्तलिफ किस्म के क्विजीन सिखाती हूँ, ज़रूर रेसिपीज ट्राई करिएगा। इसलिए इसको कहते हैं चॉकलेट सरप्राइज कपकेक्स। अब दूध इसमें जाएगा, आधा कप लिखा है, लेकिन पहले थोड़ा सा डालेंगे, बिकॉज मैदा और कोको पाउडर बाज़ वक्त बहुत ज़्यादा जज्ब कर लेता है, बाज़ वक्त कम लिक्विड को, तो इसलिए पहले हम डाल के मिक्स करके देखेंगे। ये देखें, ठीक है, इस तरह की ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी का हो जाए तो निकाल दीजिएगा। रिकैप कर दूं, एक कप मैंने मैदा लिया था, एक टीस्पून उसमें हमने बेकिंग पाउडर डाला था, चुटकी भर नमक इसमें गया था, एक चौथाई कप कोको पाउडर है, छान के प्लीज़ यूज़ करिएगा मैदा, कोको पाउडर वगैरह, एक कप पिसी हुई चीनी थी, एक चमचा भर के कॉफ़ी पाउडर था जिसमें एक चमचा भर के मैंने पानी डाला था, आधा कप तेल था, कोई सा भी तेल, रेगुलर कुकिंग ऑयल यूज़ करिएगा, आधा कप मैंने दूध लिखा है लेकिन आधा कप नहीं डालिएगा, वेनिला एसेंस आधा टीस्पून जितना गया था, एक अदद अंडा था और एक टेबलस्पून श्रेड करके या ऐसे हाथ से तोड़ के तुलसी डाल दीजिएगा, ठीक है जी, डन। ये देखें, इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ड्रॉपिंग, ठीक है। अब आप इसको बेक करने रखेंगे, और अवन हमेशा प्रीहीट करती हूँ, यानी कि गर्म करके हमने रख दिया है और ऑन करके खाली है, ये
केसेस हमने रख दिए हैं इसके अंदर. पहले भी मैं बता चुकी हूँ, प्लेन मिलते हैं, वाइट मिलते हैं, कलरफुल मिलते हैं, इसके अलावा फॉइल वाले मिलते हैं. कोई से भी आप यूज़ करिएगा, उससे बेहतरीन वो निकल आता है, टिन भी ख़राब नहीं होता है. और अगर आपके पास नहीं हो, इसी को अच्छी तरह मक्खन या तेल से ग्रीस करिएगा, मैदा डालिएगा, फिर एक्सेस मैदा ऐसा उल्टा कर दीजिएगा टिन को और फिर उसी में बेक करिएगा. लेकिन फिर बाज़ वक्त टूट जाते हैं निकलते वक्त, इसीलिए इसमें बेहतरीन शेप रहता है. सो दैट्स इट, ये हम करते हैं. और आज एनिक्स की तरफ से डिलक्स केटल है. अगर आप जीतना चाहते हैं हमारे शो के थ्रू तो आप मुझे कपकेक के रेसिपीज़ के नाम बताइए, ठीक है. मसाला एवरी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, एनआईसी कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा. ऐसे करते हैं, हम ब्रेक की तरफ चलते हैं. ब्रेक में मैं सिर्फ इन कपकेक्स को टिन में डाल के बेक करने रख दूँगी. आएंगे, क्लीन अप करेंगे, इसका फ्रॉस्टिंग रेडी करेंगे और फिर हम आएंगे आज की दूसरी दो रेसिपीज़ की तरफ जिसमें हम डिपिट का सॉस यूज़ करने जा रहे हैं. सो स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग फूड डायरीज़. देखें कितना मुख्तलिफ सा चॉकलेट सरप्राइज़ कपकेक हमने बनाया है. सरप्राइज़ इसमें यह है कि अंदर हमने श्रेड करके थोड़ी सी एक चम्मच बस तुलसी के पत्ते यानी बेजल लीव्स फ्रेश वाले डाल दिए हैं. नहीं हो तो नहीं डालिएगा प्लीज़, मसाला वो ड्राई वाला नहीं डालिएगा, ठीक है. और इसका जो फ्रॉस्टिंग है उसमें देखिए कितनी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं. दूध तो है और जैसे मक्खन चीनी तो होता है फ्रॉस्टिंग में, ये कोकोनट मिल्क पाउडर है. बड़े सैशेज जो मिलते हैं या बड़े बॉक्सेज मिलते हैं उसमें से सिर्फ दो चमचे लीजिएगा. ऑरेंज मार्मलेड है, इलायची पाउडर है और ऑरेंज का छिलका है. मौसम्बी वगैरह लीजिएगा, उसको खुरच के रख दीजिएगा. पिछले साल से मेरी चल रही है, बड़ा बॉक्स बना के मैंने रख दिया था जब मौसम्बी नारंगी सब सीज़न में होता है. खुरच के रख दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा निकाल के डालेंगे, इतना अच्छा टेस्ट आता है, रिफ्रेशिंग सा ऑरेंज का टेस्ट. अब पूरे साल ऑरेंज से चीज़ें बना सकते हैं. सो ऑल आई नीड टू डू इज़ सब कुछ बीट करना है फ्रॉस्टिंग के लिए. जो कपकेक्स हैं उसमें मैंने मैदा डाला था, बेकिंग पाउडर, नमक, कोको पाउडर, कॉफ़ी पाउडर, थोड़ा सा पानी, चीनी पिसी हुई और तेल, दूध, वेनिला एसेंस, अंडा और तुलसी. हमारे कॉलर्स कहाँ हैं? जैसे ही याद करती हूँ आते हैं ना, इसलिए पहले ही याद कर दूँ. नंबर हमारा चल रहा है, आप हमें लिख सकते हैं. फूड डायरीज रेसिपीज़ के नाम से फेसबुक का हमारा पेज है, आप हमें वहाँ भी लिख सकते हैं. और आप हमें क्वेश्चंस कर सकते हैं, कोई क्वेरीज़ हों फूड रिलेटेड वो आप कर सकते हैं. और अगर आपको जीतना है एनेक्स की तरफ से आज जो रिलक्स केटल है, तो जल्दी से आप 8881 पे मुझे बताएंगे 3-4 कपकेक के रेसिपीज़ के नाम. 8881 पे आपने SMS करना है फ़ोन से, ठीक है. प्लीज़ आप हमारे पेज पे नहीं लिखिएगा, इसलिए कि फिर वो हमें, हम कैसे वो करेंगे, ठीक है. आपके लिए ये चीनी और ड्राई मिल्क पाउडर, कोकोनट मिल्क पाउडर आपने डाल दिया, इलायची पाउडर आपने डाला छोटी हरी इलायची का, और मार्मलेड डालना है और दूध. वेरी डिफरेंट, वेरी वेरी डिफरेंट, इसलिए कि बहुत सारी चीज़ों का अमेलगमेशन है, ये बहुत सारे फ्लेवर्स इसमें हैं. बस ये मिक्स करेंगे, फिर दूध डालेंगे और यस, ये ऑरेंज का जो छिलका है वो थोड़ा सा हम अंदर डालेंगे, थोड़ा सा ऊपर के लिए रखते हैं. ठीक है, अच्छी तरह सब कुछ मिक्स हो जाए फिर आप उसमें डालेंगे दूध. प्लीज़ पहले से दूध नहीं डाल दीजिएगा, लिक्विड बहुत सारा हो जाएगा, आप मैनेज नहीं कर पाओगे, फ्रॉस्ट नहीं होगा. फिर ये ऐसा फ्रॉस्टिंग है कि आप पैलेट नाइफ के साथ ऊपर लगा देंगे. कौन? मिसेज नवाज़ हैं फैसलाबाद से. देखें पैलेट नाइफ से हम लगाएंगे. जी हेलो. हेलो जी. वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? शुक्र अल्लाह, अभी आप कैसे हैं? आपके सामने बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच. अभी आपके सवाल का जवाब देना चाहते हैं और उसके बाद आपसे सवाल पूछना भी है. जी जी फरमाइए. आपकी ये लेमन बटर कपकेक और मैंगो कपकेक, चॉकलेट कपकेक, ठीक है, और बादाम का कपकेक और ड्राई फ्रूट का कपकेक. ओके बस ठीक है, कपकेक नोट कर दिया है जवाब. अभी आपसे सवाल ये पूछना था, मैंने कड़ी बनाई थी तो वो ना काली सादी जो पकोड़ों वाली कड़ी नहीं होती, वो बनाई थी तो वो काली से काली काला उसका रंग ऊपर से आ गया था काला. अभी अभी हाँ जी कैसे
मैंने जब एंड पे पक करके ना धनिया डाला था ना, उससे तब ये काली काली रंगा सी हो गई थी, ये वजह बता सकती है? आई डोंट नो काली कैसे होगी धनिया डालने के बाद। नहीं अपनी जब घी ऊपर तरी वगैरह आ गई थी ना उसकी, तो तब काली रंगत हो गई थी। नहीं मुझे नहीं पता, मुझे, तो आप मेरी रेसिपीज फॉलो करिएगा, कड़ी की रेसिपी है हमारे पेज पे, उसको फॉलो करिएगा, उसी तरह बनाइएगा, कभी काली तो बनी ही नहीं है, देखिएगा सीखिएगा हमारे रेसिपीज से, ठीक है? मैंने पूछा आपकी, हेलो जी जी, मैंने अपनी बहन से पूछा, उसने कहा था ज्यादा हल्दी डालने से भी हो सकता है। अच्छा होगा, मुझे नहीं पता जी आपने किस तरह बनाई है, लेकिन आप मेरी रेसिपी जरूर ट्राई करिएगा, उसी से बनाइएगा और फीडबैक दीजिएगा फिर बाद में, ठीक है? थैंक यू सो मच। कॉफ़ी की कुल्फ़ी, फ्रीज़र खोला तो याद आया, कॉफ़ी कुल्फ़ीज़ आर डन रेडी, मज़ेदार सी, ट्राई करिएगा सीखिएगा, इसके ऊपर बस नट्स डालेंगे हम, बादाम पिस्ते जो कल छोड़ के गई थी, और बस सर्व कर देंगे, सिंपल एज दैट। ये सब उन लोगों की फरमाइश है जो मुझे कहते हैं सर्दियों में भी आइसक्रीम कुल्फ़ी कराया करें, कल मैंने बनाई थी ना, सेट हो गई। ओके नाउ रिकैप कर दूं कि मैंने क्या किया था, मक्खन थोड़ा सा बीट किया था, उसमें ऑरेंज मामलेट मैंने डाला था, दूध डाला था बहुत थोड़ा सा, कोकोनट मिल्क पाउडर गया था, पिसी हुई चीनी थी, इलायची पाउडर था, और अच्छी तरह आप उसको मिक्स कर दीजिए, जब मिक्स हो जाए फिर थोड़ा सा दूध डालिएगा और ऑरेंज का छिलका डाल दीजिएगा और ठंडा कर लीजिएगा। कपकेक्स बेक हो जाएंगे, अवन में से निकलेंगे, उसके ऊपर वो हम लगाएंगे पैलेट नाइफ से, थोड़ा थोड़ा ऊपर ही ऑरेंज का छिलका स्प्रिंकल कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है? इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा, रेसिपीज ट्राई करिएगा, शोज हमारे सारे देखिएगा, फीडबैक दीजिएगा। पीर से जुमा मंडे टू फ्राइडे फूड डायरीज आपके साथ लाइव है, दोपहर में 1 से 2 और रात में 10:30 से 11:30 हमारा शो रिपीट होता है। सारी रेसिपीज अप टू डेट हैं हमारे पेज पे, फूड डायरीज रेसिपीज के नाम से पेज है, 5 लाख जो मेंबर्स हो गए वो वाला पेज लाइक करिएगा, ज्वाइन करिएगा, और फोटोज सेक्शन में जाके आप देखेंगे तो आपको वहाँ तमाम रेसिपीज मिल जाएंगी, अंग्रेजी में भी हैं उर्दू में भी हैं। शाजिया हैं कराची से जी, हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जरनक जी। वालेकुम अस्सलाम, कहाँ गायब हैं आप? मैं बस ऑन एंड ऑफ देखती रहती हूँ आपको, बहुत एंजॉय करती हूँ, इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज बना रही है, इतने कुछ अचीव कर रही है आप लाइफ में, सब कुछ मैं देखती रहती हूँ, माशाल्लाह इतनी अच्छी लग रही थी आप, जो आपने अवार्ड रिसीव किया उसकी बहुत आपको मुबारकबाद, अभी आप लाहौर का विजिट करके आई, उसमें इतनी अच्छी टिप्स आई है आपकी, बहुत जबरदस्त लग रही थी आप, थैंक यू सो मच, और शो आपका इतना जबरदस्त इतना औसम। और एक बात तो मैं जरूर कहूंगी कि मैं कुछ ट्राई करूं ना करूं आपके कपकेक्स तो मैं मस्त ट्राई करती हूँ, बहुत वो मैं कहती हूँ कि आंख बंद करके ट्राई करती हूँ, क्योंकि वो बहुत जबरदस्त होते हैं, इतने किस्म के आपने मुझे सिखाए हैं, वो मैंने सभी ट्राई किए हैं, बहुत जबरदस्त होते हैं, वैसे तो आपकी हर चीज ट्राई करने वाली होती है, जो भी वीक बनाती है बहुत जबरदस्त बनाती है और बहुत अच्छा करती है, आगे देखिएगा, बहुत बहुत तरक्की दे, थैंक यू सो मच, आगे देखिएगा, सुपर वीक प्लान्ड है, ठीक है जी जी। और मैं पता है क्या आप वेट कर रही हूँ आपसे जो है मसाला फैमिली फेस्टिवल मिलने के लिए, बहुत देख रही हूँ फेब्रुवरी में, फेब्रुवरी में इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह ताला। दूसरा क्वेश्चन का जवाब भी देना चाहूंगी, बहुत सारे आपने सिखाए हैं, रेड वेलवेट कपकेक है, इसके अलावा मॉइस्ट चॉकलेट कपकेक से, इसके अलावा वनीला कपकेक से, बनाना कपकेक से, काफी सारे आपने सिखाए, थैंक यू, ठीक है, नोट कर दिया है जवाब शाजिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके आलू की जो टिक्की है सिंधी स्टाइल, ठीक है, 2-3 बड़े आलू लीजिएगा, छील के बॉईल कर दीजिएगा सिर्फ पानी में, उसमें आपने उसको आपने मैश कर देना है, उसमें आपने नमक डाल देना है, थोड़ा सा आप उसमें धनिया शामिल करेंगे, थोड़ा सा आप उसमें ज़ीरा डालेंगे, फिर आप हरी मिर्चें शामिल करेंगे, डिपेंड्स आपको कितनी चाहिए, ओके, और लाल मिर्चें हैं, अगेन नॉट वेरी स्पाइसी बट थोड़ी सी, और हम इसमें पुदीना शामिल करेंगे पानी निकाल के अच्छी तरह, और हम उसमें अगर 3 बड़े आलू आपने लिए हैं तो 4 से 5 आप ब्रेड के स्लाइसेस लेंगे, पानी में देखें भिगो के मैंने रख दिए, इतने सॉफ्ट हो गए हैं, और अब हम इसके एजेस निकाल के, या एजेस के साथ इफ़ यू वांट क्रस्ट के साथ, पानी अच्छी तरह निकाल दीजिएगा, ये देखें पानी स्क्वीज़ आउट कर दीजिएगा, ठीक है, इसलिए कि आई डोंट वांट कि पानी ज़्यादा जाए, टिक्की फिर फॉर्म नहीं होगी, ये ऐसे हथेली में पानी ऐसे करके निकाल के फिर आप अंदर डालिएगा, टिक्कियाँ बनाइएगा, शैलो फ्राई कर दीजिएगा तेल में, कितना आसान है, बहुत ही आसान रेसिपी है, ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। फैसलाबाद मैं आ रही हूँ 15 दिसंबर को अवारी एक्सप्रेस में, क्लास है हमारी, तो ज़रूर आइएगा, मुझसे मिलिएगा, तस्वीरें लीजिएगा, और 3 दूसरे शेफ्स हैं जो अवारी एक्सप्रेस के भी आपको चीज़ें सिखाएंगे, और हमारे यहाँ से मसाला टीवी से मैं हूँ, शीरिन अनवर हैं और महबूब खान हैं, ठीक है,
तो ज़रूर आइएगा, हमसे मुलाकात करिएगा, पूरा दिन हमारे साथ गुजारिएगा, वहाँ इतना अच्छा खाना भी होगा, टी भी होगी, प्राइजेज हैं, गिफ्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये 2 से 3 बड़ी डबल रोटी ली है मैंने, स्क्वीज़ आउट कर दीजिएगा। नमक है इसमें, लाल मिर्चों का पाउडर है, हरी मिर्चें हैं, धनिया पुदीना है, ज़ीरा है। सर्व करेंगे हरी चटनी के साथ या ऑफ कोर्स डिपिट के कोई सॉस भी आप साथ डाल सकते हैं। इसके बाद हमें टिक्कियाँ बनानी है, ठीक है? ब्रेक का टाइम तो नहीं है? अच्छा ठीक है, मैं बस ये रख दूँ, टिक्कियाँ बना देंगे और शैलो फ्राई हम कर देंगे, बिकॉज कोई चीज़ कच्ची तो इसमें है ही नहीं। आलू अच्छी तरह बॉयल होने चाहिए, ठीक है? कच्चा बिल्कुल पीस नहीं आए मुँह में। डन, चलिए हम लेते हैं ब्रेक। आपने अगर जीतना है एनएक्स की तरफ से ये डिलक्स केटल, तो जल्दी से 888 पे आप हमें बताएंगे 2-3 रेसिपीज़ जो कपकेक से मैंने बनाने सिखाई हैं आपको। कपकेक की रेसिपीज़ मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, एनआईसी कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। कपकेक से खुशबू आ रही है, मैं वहाँ चलती हूँ, स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक, मुझे आवाज़ नहीं आ रही है आज गाइस, मैं तो यहाँ देखती हूँ और शुरू हो जाती हूँ। ओके अब हम क्या करेंगे, पहले हम सॉस बना लेते हैं। थाई स्वीट चिली नूडल्स हम बना लेते हैं, जिसमें हम थाई स्वीट चिली सॉस यूज़ करेंगे डिपिट का। ओके अब उसके लिए मैंने आधा पैकेट स्पगेटी बॉईल करके यहाँ रख दी है। बड़ा सा पैन लीजिएगा, उसमें बहुत सारा पानी डालिएगा, उसमें आप डालेंगे थोड़ा सा नमक और तेल, और उबाल आ जाए फिर स्पगेटी डाल के उसको बॉयल कर दीजिएगा, लेकिन उसको अल डेंटे करिएगा, 7 मिनट से ज़्यादा नहीं। इसको एक तरफ रख लेते हैं। अच्छा अब सॉस के लिए जो सारी चीज़ें हैं वो मिक्स कर देते हैं। उसमें क्या क्या चीज़ें हम डालेंगे देखें, ये है पीनट बटर। पीनट बटर आपको 2 किस्म का मिल जाता है, क्रीमी और क्रीमी और स्मूथ, जिसमें पीसेस नहीं होते हैं मूंगफली के, कुछ में होते हैं, वो चंकी कहलाया जाता है। तो आपने वो रख दिया, कोई सा भी ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा सा मुझे तो चंकी अच्छा लगता है, बिकॉज उसमें मुँह में पीसेज आते हैं। अच्छा अब इसमें एप्पल साइडर विनेगर जाएगा थोड़ा सा, ठीक है? और इसमें आप लेमन जूस डालेंगे। कॉन्ट सी द स्क्वीज़र, सो ऐसे ही डाल देते हैं, बीज नहीं आएंगे, इसमें बीज नहीं है इस तरफ। और आप इसमें डालेंगे बहुत थोड़ा सा नमक, बिकॉज सॉसेज में भी नमक होता है और पीनट बटर भी खारा होता है। शेक 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 डिपिट की बॉटल, ठीक है? डिपिट के बारे में क्या जी बताऊँ, मैं हमेशा आपको बताती हूँ, मगर बहुत ही बेहतरीन से सॉसेज हैं। ओनली कंपनी इन पाकिस्तान टू लॉन्च 14-15 डिफरेंट फ्लेवर्स एट वन टाइम, और डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ द वर्ल्ड से इंस्पायर होकर इन्होंने ये सारे सॉसेज बनाए हैं। हर ओकेजन पे आप यूज़ कर सकते हैं, कोई एडिड कलर नहीं है, आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है, MSG नहीं है, स्टार्च नहीं है, और ऑथेंटिक सॉसेज की रेसिपीज़ हैं जो लोकली प्रोड्यूस चीज़ों के साथ वो बनाते हैं। 700 से ज़ायद शॉप्स से अवेलेबल है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान एंड फैसलाबाद भी। और हबनेरो केचप भी मुझे बहुत पसंद है, इसी तरह मुझे थाई स्वीट चिली सॉस भी बहुत पसंद है। स्पगेटी है, क्रीमी पीनट बटर है, थाई स्वीट चिली सॉस हम डाल चुके हैं, एप्पल साइडर विनेगर गया है इसमें। इसके अलावा यहाँ चॉप्ड पीनट्स हैं, ठीक है? और धनिया जाएगा और स्पगेटी। तो इसको हम हीट थ्रू कर देते हैं, स्मूथ सा हो जाएगा, तो इसको हमें मिक्स करना है। मीनवाइल कपकेक्स देखते हैं। कपकेक्स राइज हुए थे फिर बैठ गए थे, डिफ्लेट हो गए थे, तो परेशान नहीं होइएगा। हो गए हैं, इनको निकाल देते हैं। इनको थोड़ी देर ठंडा करते हैं ऐसे ही, फिर जाली पर रख के फ्रिज में रख देंगे। मीनवाइल यहाँ स्पगेटी का जो सॉस है वो हम बना रहे हैं। थाई स्वीट चिली सॉस था तो मैंने इतना सारा डाला था, आप चिली सॉस डालें तो इतना सारा नहीं डालिएगा। अब इसने क्या करना है आपने, बस कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा इसमें धनिया जाएगा, ये पीनट्स जाएंगे, ठीक है? मूँगफलियाँ थी, और बस आप मिक्स कर दीजिएगा सब कुछ, और आप इस स्पगेटी के साथ मिक्स कर दीजिएगा और फिर निकाल कर सर्व कर दीजिएगा। आलू टिक्की के जो रेसिपी थी वो सारी चीज़ें अच्छी तरह हमने मिक्स कर दी थी ब्रेक में, अभी टिक्कियाँ बनाते हैं और शैलो फ्राई कर देते हैं। दैट्स इट, वेरी सिंपल। ये देखा आपने सॉस,
बस पीनट बटर थोड़ा सा पिघल जाए तो क्या था इसमें, स्पेगेटी थी, पीनट बटर था, थाई स्वीट चिली सॉस था डिपिट का, उसके अलावा एप्पल साइडर विनेगर था, चॉप करके पीनट्स डाले थे यानी मूंगफलियाँ, हरा धनिया था, लेमन का थोड़ा सा मैंने जूस डाला था और बस आप सर्व कर दीजिए। ये है सॉस, इसके ऊपर जाएगा पूरा भी मिक्स होगा। अब हल्के हाथ से आप कांटे से या चम्मच से या स्पून से, अच्छा डिलक्स केटल किसको जीतनी है एनएक्स की तरफ से, जल्दी जल्दी 888 पे आप हमें बताएंगे दो तीन कपकेक के रेसिपीज़ के नाम, ठीक है। मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, एनआईसी कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। ये देखें इस तरह उठा के ना आपने इसको मिक्स करना है, चाहें तो बड़े बोल में, आवाज़ नहीं आ रही क्या? जैनब हैं कराची से जी, हेलो। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? कैसी हैं जरना साहब? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, आप कैसी हैं? माशाल्लाह से मैं भी ठीक हूँ बिल्कुल, और आपकी तरह बहुत प्यारी हूँ। आवाज नहीं आ रही क्या, सॉरी? आपकी तरह बहुत अच्छी हूँ। अच्छा जरना का आज का सवाल क्या है? कपकेक्स के रेसिपीज के नाम। कपकेक की जी, आपने चॉकलेट चिप कपकेक बनाया है, बनाना कपकेक बनाया है, और उसके अलावा ऑलमंड केक बनाया है, ठीक है, और मिक्स फ्रूट केक भी बनाया था आपने, ठीक है ठीक है, और उसके अलावा बहुत सारे केक बनाए आपने जी। मैंने बहुत सारे बनाए हैं, आपने भी कोई ट्राई किया कि बस नाम याद हैं? जी नहीं, मैंने बहुत सारे ट्राई भी किए हैं, मुझे चॉकलेट ज्यादा पसंद है इसलिए मैं चॉकलेट ज्यादा ट्राई करती हूँ। मेरी तरह? हाँ, मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। ओके वेरी गुड। आपने इसके अलावा वनीला का भी बनाया था, मैंगो का भी बनाया था। जी 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 जी, थैंक यू आपने कॉल की। क्या क्या बताऊँ? जी जी, क्या क्या बताएंगी, जो भी याद आए बताए, जो याद आता है बता रही हूँ ना। थैंक यू फॉर कॉलिंग जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। ओके, आप चाहें तो लाल मिर्च के साथ और लेमन के वेज के साथ आप इसको डेकोरेट कर दीजिए, थोड़ा सा आप इसमें धनिया भी डाल सकते हैं, बहुत थोड़ा सा। कभी कभार लाइट इस तरह की भी चीज़ें खाया करें, ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा हर चीज़ में गोश्त और चिकन हो, और जो सॉस है डिपिट का उससे तो इसका मज़ा दुबाला आ जाएगा। तो प्लीज़ डेफिनेटली ट्राई आउट दिस रेसिपी एट होम और हमें फीडबैक दीजिएगा। आई जस्ट कट अ वेज, इस पे से लेमन की एक वेज रख दीजिएगा। हरी मिर्च या लाल मिर्च एंड द लेमन वेज, ये देखें एक चीज गॉन ऑन आवर टेबल। कुल्फी भी कल की रेडी है, वो भी आ जाएगी। टिक्कियां हम बना लेते हैं, ब्रेक का वक्त तो नहीं है? हाँ, आवाज नहीं आ रही। हाँ ब्रेक है, ब्रेक है, ओके ठीक है, स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। तेल बहुत थोड़ा सा लिया था फ्रैंक पैन में और आपने इसको बस हल्का सा तल देना है, ठीक है। और कुल्फीज़ आर रेडी, जो कल की थी वो बस निकालेंगे। एंड में हमने डिपिट के साथ जो सॉस यूज़ किया था थाई स्वीट चिली सॉस, उससे जो स्पगेटी आपको बनाना सिखाई है, देखिए इस तरह की स्पगेटी आप बना के चिकन ब्रेस्ट ग्रिल किया हुआ हो, फिश ग्रिल की हुई हो, या कोई चिकन के स्ट्रिप्स आपने बनाए हों, बीफ के अंडर कट हो उसके कोई स्ट्रिप्स बनाए हों, उसके साथ भी आप इस स्पगेटी को सर्व कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा फ्राइज हो या मैश पोटैटो हो या जैकेट पोटैटो हो, स्पगेटी भी इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं ये सारी रेसिपीज़, तो ज़रूर बनाइएगा। इसके साथ धनिया पुदीना जाएगा, हरी चटनी जाएगी, एंड आप इसमें से कोई दूसरी चटनी भी डाल सकते हैं, यू कैन ऐड द हॉट सॉस एज वेल, ठीक है। ये हम फ्राई करके रख देंगे और कपकेक्स जो हैं वो ऑब्वियसली मैंने अवन में से निकाल के फ्रिज में डाल दिए थे, आप लोग ऐसे नहीं करिएगा, बिकॉज आई वॉन्ट के ठंडे हों, तो मैं इनके ऊपर ये जो फ्रॉस्टिंग आपके सामने बनाई थी मज़ेदार सी डिफरेंस सी, और ये जो हमने ऑरेंज का छिलका रखा है वो जाएगा। बस बादाम और पिस्ते थोड़े से हैं वो कुल्फी के ऊपर हम डालेंगे। इस तरह हमारा आज का शो फिर
मुकम्मल हो जाएगा। अभी भी वक्त है, अगर आपको जीतना है एनिक्स की तरफ से केटल, तो जल्दी से आप 888-1 पे मुझे बताएंगे 3-4 कपकेक की रेसिपीज़ के नाम जो आपने मुझसे सीखे हों फूड डायरीज़ में या किसी भी और शो में। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। एक तरफ से हो जाए तो याद रखिएगा सॉफ्ट सी हैं, इसमें हमने कोई अंडा और कोई भी इसमें हमने कुछ भी ब्रेड क्रम वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है। सो जस्ट टर्न देम लाइट सी हो जाएं तो बस आप इसको निकाल के सर्व कर दीजिएगा। कितना स्पाइसी आपको करना है डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट। लाल मिर्चें भी हैं इसमें, हरी मिर्चें भी हैं। सो दैट्स ऑल एंड इट्स डन। बस कपकेक्स को हमें आइस करना है और चीज़ें फ्रिज में से निकालनी है, दैट्स इट। सो ज़रूर ये रेसिपीज़ ट्राई करिएगा। मैंने थाई स्वीट चिली सॉस डिपिट का यूज़ किया था, स्पगेटी बॉईल की हुई थी, क्रीमी या चंकी पीनट बटर आप डाल दीजिए, एप्पल साइडर विनेगर थोड़ा सा डालिएगा ज़रूर, और मूँगफलियाँ लीजिएगा चॉप करके या भून के ले लीजिएगा वो डालिएगा, हरा धनिया थोड़ा सा डाला था और नींबू के स्लाइस के साथ आप रख दीजिएगा। ये हो गया। और ये जो आलू टिक्कियाँ हैं उसमें मैंने ब्रेड के स्लाइसेस लिए थे, पानी में भिगो के रख दिया था, पानी स्क्वीज़ आउट कर दिया था। 2 से 3 बड़े आलू लीजिएगा, उनको बॉईल कर दीजिएगा, उनको मैश कर दीजिएगा। हरी मिर्चें डाली थी, धनिया पुदीना था, लाल मिर्चों का पाउडर था, नमक था और ज़ीरा था, क्रश करके वो डाल दीजिएगा, हरी चटनी के साथ सर्व कर दीजिएगा। कौन? जन्नत है सरगोधा से जी। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जन्नत। जन्नत कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ अल्लाह शुक्र। आपसे ना आपके एक तो शो करनी थी। क्या जी? एक तो आपके शो की तारीफ करनी थी। अच्छा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। एक आपसे पूछना था कंडेंस मिल्क बनाने का तरीका क्या है? कंडेंस मिल्क क्या जी? कंडेंस मिल्क बनाने का तरीका क्या है? कंडेंस मिल्क हम घर में नहीं बना सकते हैं, मैंने नहीं बनाया है वैसे कभी भी, लेकिन कंडेंस मिल्क आपको आसानी से मिल जाता है मार्केट में। अच्छा, ठीक है। आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है, मैंने आपका आलमंड केक बनाया था, बहुत अच्छा बना था। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जवाब तो देती जाइए, कपकेक के रेसिपीज के नाम तो बताइए। एनिक्स का गिफ्ट नहीं जीता आपने, कहाँ चली गई? ठीक है, फिर रेसिपी रिकैप की तरफ चलें, क्योंकि हमें तो सिर्फ यहाँ फ्राई करना है और निकाल देना है और उसके ऊपर ये धनिया पुदीना डालेंगे, हरी चटनी डालेंगे, सर्व कर देंगे और फिर हमें ब्रेक से आएंगे। उसके बाद मैं कपकेक्स को फ्रॉस्ट करूँगी और आइस करूँगी और कुल्फी दिखानी है। ब्रेक की तरफ चलते हैं। चॉकलेट सरप्राइज कपकेक्स। अच्छा, मैदा 1 कप, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चम्चा, नमक चुटकी भर, कोको पाउडर 1/4 कप, कस्टर्ड शुगर 1 कप, कॉफ़ी 1 खाने के चम्चा, फ्रॉस्टिंग के लिए पीका मक्खन 3 खाने के चम्चे, ऑरेंज मामलेट 3 खाने के चम्चे, दूध 2 खाने के चम्चे, कोकोनट मिल्क 2 खाने के चम्चे, पिसी इलायची चुटकी भर, कस्टर्ड शुगर 1/2 कप, ऑरेंज का छिलका हसबे ज़रूरत। तरकीब, मैदा, बेकिंग पाउडर, नमक, कोको पाउडर और कस्टर्ड शुगर मिक्स कर लें, फिर कॉफ़ी को 1/2 कप उबले पानी में मिक्स करके मैदे के मिक्सचर में डाल दें, साथ ही तेल, दूध, वनीला एसेंस और अंडा शामिल करके मिक्स करें। अब इसमें कद्दूकश बेजल फोल्ड करके बैटर को कपकेक टिन में डालकर 15 से 20 मिनट 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक करें, फिर निकाल के ठंडा कर लें। फ्रॉस्टिंग के लिए मक्खन, मामलेट, दूध, कोकोनट मिल्क, पिसी इलायची और चीनी को अच्छी तरह बीट करें, फिर इसमें ऑरेंज का छिलका मिलाकर फोल्ड कर दें। अब तैयार फ्रॉस्टिंग कपकेक्स पर लगाकर ऑरेंज का छिलका छिड़क कर सर्व करें। सिंधी आलू टिक्की। अच्छा, डबल रोटी के स्लाइस 4 से 5 अदद, उबले मैश आलू 2 अदद बड़े, चॉप्ड हरी मिर्चें 2 अदद, पिसी लाल मिर्च 1/2 चाय का चम्चा, कुटा जीरा 1 चाय का चम्चा, हरा धनिया 1 खाने का चम्चा, पुदीना 1 खाने का चम्चा, नमक हसबे जायका, हरी चटनी सर्व के लिए। तरकीब, डबल रोटी के स्लाइस को पानी में भिगो दें, फिर निकाल कर सारा पानी निचोड़ लें। अब इसे बोल में डालकर मैश आलू, हरी मिर्चें, पिसी लाल मिर्च, कुटा जीरा, हरा धनिया, पुदीना और नमक शामिल करके मिक्स करें। उसके बाद हाथ को तेल से ग्रीस करके मिक्सचर के छोटे छोटे बॉल्स बनाकर चपटा करें, ये टिक्की की तरह बन जाए। अब तेल गर्म करके टिक्की शैलो फ्राई करें और हरी चटनी के साथ सर्व करें। थाई स्वीट चिली नूडल्स। अच्छा, स्पैकेटी 8 ounce, क्रीमी पीनट बटर 3 खाने के चम्चे, थाई स्वीट चिली सॉस 3 खाने के चम्चे, एप्पल साइडर विनेगर 1.5 खाने के चम्चा, चॉप्ड मूँगफली हसबे ज़रूरत, हरा धनिया गार्निश के लिए, लीमू के वेजेस हसबे ज़रूरत। तरकीब, पैन में पीनट बटर, स्वीट चिली सॉस और एप्पल साइडर विनेगर डालकर धीमी आंच पर पकाएं और मिक्स करते जाएं। एक बोल में पहले से उबली स्पैकेटी और पीनट सॉस शामिल करके मिक्स करें, आखिर में मूंगफली, लीमू के वेजेस और हरे धनिए से गार्निश करके सर्व करें।
चॉकलेट सरप्राइज कपकेक्स। अच्छा मैदा एक कप, बेकिंग पाउडर एक चाय का चमचा, नमक चुटकी भर, कोको पाउडर एक चौथाई कप, कस्टर्ड शुगर एक कप, कॉफी एक खाने के चमचा, फ्रॉस्टिंग के लिए फीका मक्खन 3 खाने के चमचे, ऑरेंज मामलेट 3 खाने के चमचे, दूध 2 खाने के चमचे, कोकोनट मिल्क 2 खाने के चमचे, पिसी इलायची चुटकी भर, कस्टर्ड शुगर आधा कप, ऑरेंज का छिलका हस्ब जरूरत। तरकीब, मैदा, बेकिंग पाउडर, नमक, कोको पाउडर और कस्टर्ड शुगर मिक्स कर लें, फिर कॉफ़ी को आधा कप उबले पानी में मिक्स करके मैदे के मिक्सचर में डाल दें, साथ ही तेल, दूध, वनीला एसेंस और अंडा शामिल करके मिक्स करें। अब इसमें कद्दूकश बेजल फोल्ड करके बैटर को कपकेक टिन में डालकर 15 से 20 मिनट 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक करें, फिर निकाल के ठंडा कर लें। फ्रॉस्टिंग के लिए मक्खन, मामलेट, दूध, कोकोनट मिल्क, पिसी इलायची और चीनी को अच्छी तरह बीट करें, फिर इसमें ऑरेंज का छिलका मिलाकर फोल्ड कर दें। अब तैयार फ्रॉस्टिंग कपकेक्स पर लगाकर ऑरेंज का छिलका छिड़क कर सर्व करें। सिंधी आलू टिक्की। अच्छा डबल रोटी के स्लाइस 4 से 5 अदद, उबले मैश आलू 2 अदद बड़े, चॉप्ड हरी मिर्चें 2 अदद, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, हरा धनिया 1 खाने का चमचा, पुदीना 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, हरी चटनी सर्व के लिए। तरकीब, डबल रोटी के स्लाइस को पानी में भिगो दें, फिर निकाल कर सारा पानी निचोड़ लें। अब इसे बोल में डालकर मैश आलू, हरी मिर्चें, पिसी लाल मिर्च, कुटा जीरा, हरा धनिया, पुदीना और नमक शामिल करके मिक्स करें। उसके बाद हाथ को तेल से ग्रीस करके मिक्सचर के छोटे छोटे बॉल्स बनाकर चपटा करें कि टिक्की की तरह बन जाए। अब तेल गर्म करके टिक्की शैलो फ्राई करें और हरी चटनी के साथ सर्व करें। थाई स्वीट चिली नूडल्स। अच्छा स्पैकेटी 8 आउंस, क्रीमी पीनट बटर 3 खाने के चमचे, थाई स्वीट चिली सॉस 3 खाने के चमचे, एप्पल साइडर विनेगर 1.5 खाने के चमचा, चॉप्ड मूंगफली हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया गार्निश के लिए, लीमू के वेजेस हस्बे ज़रूरत। तरकीब, पैन में पीनट बटर, स्वीट चिली सॉस और एप्पल साइडर विनेगर डालकर धीमी आंच पर पकाएं और मिक्स करते जाएं। एक बोल में पहले से उबली स्पैकेटी और पीनट सॉस शामिल करके मिक्स करें, आखिर में मूंगफली, लीमू के वेजेस और हरे धनिए से गार्निश करके सर्व करें। जी वेलकम बैक। देखिए यहाँ कपकेक्स के ऊपर मैंने थोड़ा थोड़ा एक एक चम्मच जितना वो रख दिया था फ्रॉस्टिंग, उसके ऊपर आपने इस तरह ऑरेंज का जो छिलका है वो रख देना है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, आपने इसको सर्व कर देना है, लेकिन आप बिल्कुल ठंडा करिएगा इसको। आप चाहें तो फ्रॉस्टिंग को आप पाइप भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें मामलेट वगैरह था तो देयर वाज नो वे आई कुड पाइप इट, ठीक है जी। और तड़का में आप देखेंगे आज पाइनएप्पल पुडिंग, लेमन पेपर चिकन, स्टफ्ड ऑमलेट जो रिदा बनाएंगी आधे घंटे बाद, दूसरा लाइव शो जो हमारा है, और विनर है जवेरिया फ्रॉम लाहौर। अब आप देख लीजिए मैंने कॉफ़ी की कुल्फ़ी भी निकाल दी है, बादाम पिस्ते ऊपर छिड़क दिए हैं, और डिपिट के सॉस के साथ जो हमने थाए स्वीट चिली नूडल्स बनाए थे वो भी रेडी हैं। उसके अलावा सिंधी आलू टिक्की है हरी चटनी के साथ, आप भी ज़रूर बनाइएगा, रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा। चलिए जी ये भी मैं रख दूँ यहाँ, ठीक है जी। आज का शो इख्तिताम को पहुंचा, एवरीथिंग इज़ रेडी, ज़रूर आप भी इसी तरह मेरी सारी रेसिपीज़ ट्राई करिएगा। अब मुलाकात होगी कल विथ लवली रेसिपीज़, देखना मत भूलिएगा। पीर से जुमा मंडे टू फ्राइडे हम दोपहर में 1 से 2 हैं, रात में 10:30 से 11:30 हमारा शो रिपीट होता है। तो चलिए अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त, जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।